तलैया मोहल्ले में पुराना पेड़ गिर जाने से लोगों का हुआ बड़ा नुकसान। बता दें कि तलैया मोहल्ला में क्राइस्ट स्कूल के पास एक पुराना पेड़ लगा हुआ था, जिसको कि आसपास रहने वाले लोगों ने बढ़ जाने के कारण कई बार कटवाया भी था, लेकिन उक्त पेड़ को पूरा नहीं कटवाया गया। आज सुबह अचानक उक्त पेड़ गिर गया, जिससे आसपास के बने घरों को नुकसान पहुंचा है, जिसमें से एक घर तो पूरी तरह से ही नष्ट हो गया। इस परिवार का मुखिया ऑटो चलाता है तथा महिला काम करने जाती है। आज सुबह जब वह सोकर उठा तो अचानक 5 बजे के आसपास उक्त पेड़ भरभराकर गिर गया, जिससे इसकी जद में मकान आने से वह पूरी तरह से ढह गया। मकान के मलबे में गृहस्थी का पूरा सामान दबा हुआ है। पेड़ अटा हुआ था, नगर पालिका ने दरखास्त दी थी, इनको कोई सुनवाई नहीं करी, ऊपर ऊपर काट लेगा और नीचे ऐसा छोड़ा हुआ है, इससे हमारा बहुत नुकसान हुआ। क्या हुआ है? मशीन टूट गई, वॉशिंग मशीन, एक वॉशिंग मशीन चली गई, टीवी चली गई, तो ये पेड़ गिर गया। हाँ, पेड़ गिरने के बाद हमारा नुकसान हुआ है। क्या क्या नुकसान हुआ है आपका? एक तो वॉशिंग मशीन है, टीवी है, पंखे हैं, फ्रीज है। लगभग कितना नुकसान हुआ, कितने रुपये का हुआ? 50-60 हज़ार रुपये का नुकसान है, दुआ अलग है। तो ये कितने बजे घटना है? सुबह 5:30 बजे। 4:30 बजे, मतलब ये 5:30 बजे गिर गया। मैं अंदर बाहर से अंदर गई हूँ, बस इतना ही हुआ। और क्या नाम से मशीन है, वॉशिंग मशीन, फ्रीज है, गाड़ी है, पूरा मतलब गृहस्थी का पूरा सामान है, टीवी पंखा सब है, कूलर है। कितना नुकसान हुआ लगभग? कम से कम 50-60 हज़ार से ऊपर का ही है नुकसान। कितने बजे घटना है? 5:30 बजे। इसके सब पे पास करी हमने शिकायत, कोई नहीं आया अभी तक। नहीं, इससे पहले की थी आपने पेड़ काटने? आप बहुत 4-5 साल से घुस रहे थे हम, किसी ने आया क्या, क्या बोलते थे? कह रहे थे हम नहीं काट सकते हैं इसको, ऐसा नहीं कर सकते हैं, इसकी लड़की लकड़ी काम में नहीं आती है। पैसों में कटवाया हमने 3-4 दफे तो, इसको मजदूरी करते हैं हम तो।